कोई मानव आदर के साथ इस 12 ज्योतिर्लिंग को याद करे, उनके लिए वचन दिया गया कि वो मानव 7 जन्मों के पाप में से मुक्त हो जाएगा। ऐसी सुंदर महिमा है भाई। इसलिए नित्य रोज प्रातकाल, मध्यान्ह, संध्या ये 12 ज्योतिर्लिंगों को अवश्य याद करना चाहिए। और कभी अवसर मिले तो जहां शिवालय हैं वहां दर्शन करने जाना चाहिए। भले आप रोज ना जा सके, बहुत कुछ काम रहता है, तो सोमवार के दिन तो अवश्य जाना चाहिए। वास्तव में तो ऐसा कहा, प्रातकाल है शिव दृष्टवा निशिव पाप विनश्यति। जो कोई मानव प्रातकाल महादेव का दर्शन करे तो उनके लिए कहा, निशि का अर्थ होता है रात्रि। रात्रि में किए गए सभी पाप में से मानव मुक्त होगा। आजन्म कृतम मध्याह्न, मध्याह्न कोई शिव जी का दर्शन करे तो पूरे जन्म के पापों में से मुक्त हो जाएगा। और सायान सत जन्माने, संध्या समय कोई शिव जी का दर्शन करे तो 7 जन्मों के पाप में से, लेकिन ये पाप दूसरी बार नहीं करना चाहिए तो मुक्ति मिलेगी। नकद रोज रोज नया स्टॉक जाहिर करें और शिव जी के दर्शन करके सभी पापों को क्षय करें, ये कोई परंपरा नहीं होती ना। और आगे कहा, प्रातकाल, मध्यान्ह, संध्या, त्रिकाल, जो कोई त्रिकाल दर्शन करे तो मेरु कांचन दताना, मेरु पहाड़ के समान कोई सोने का दान करे, जो फल मिले फल महादेव के त्रिकाल त्रिसमय महादेव जी का दर्शन करने से फल मिलेगा। ऐसी सुंदर महिमा है। इसलिए कभी अवसर मिले तो जरूर शिवालय जाना चाहिए। कई लोग ऐसा मानते हैं कि शिवालय का शिखर, शिवालय की ध्वजा है, उनकी छाया पड़छाया घरों पर पड़े वो ठीक नहीं, ये तो बहुत गलत है। शिव महापण में कहा कि भगवान महादेव के शिखर की छाया अर्थात ध्वजा की छाया जितनी भूमि पर गिरती है ये भूमि तीर्थ मानना चाहिए। किसी के घर पर, किसी की दुकान पर जो मंदिर के ध्वजा की छाया गिरती है तो ये भूमि तीर्थ है। और शिव महापण में कहा जितनी भूमि पर भगवान शंकर जी के शिखर के छाया और ध्वजा की छाया गिरती है, इस भूमि में कोई पापी व्यक्ति की मृत्यु होगी तो भी वो शिवलोक का अधिकारी हो जाएगा, क्योंकि ये भूमि तीर्थ है। ये भूमि बहुत महान भूमि है।